एवरीवन, दिस इज मी इकरा इमरान हेयर। आज का न्यू व्लॉग शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने डेली बेसिस बनाना शुरू कर दिया है व्लॉग, तो आपको इंशाल्लाह व्लॉग्स मिलते रहेंगे। आज की जो सुबह है वो की है सबसे पहले सफाई, और इसके बाद जो है वो कुछ कपड़े वगैरह धोए थे, तो ये बस सारे जो है वो मैंने तय करके रखे हैं, इनको मैं कबर्ड में लगाऊँगी। रूम की सफाई हो गई है और हम जो है वो सो रहे हैं, और हमको सुला दिया, हमको सुला के ही सारे काम करने पड़ते हैं, वरना हम बहुत तंग करते हैं। आजकल अगर हमका जो है वो टीथिंग पीरियड स्टार्ट हो गया, तो इसलिए जो है और हम को है कि बस अब मम्मा लेके रखे और जरा काम नहीं करने देता कुछ भी, तो वो सोता है तो फिर मैं काम करती हूँ। यहाँ पे आप देखें मेरी कबर जो है वो, इसमें कपड़े पहले से रखे हुए, नीचे जो है वो और हम के ड्रेसेस वगैरह रखे हैं, ऊपर बस ऐसे ही मैस हुआ हुआ है, थोड़ा सा कपड़े वगैरह रखूँगी। कपड़े पैक कर लिए हैं, बस कुछ जो है अब्दुल्ला के हैं कि मेरे अबायाज़ वगैरह हैं, और ये कपड़े रखे हुए हैं, बस इसको आप कबर्ड में रखेंगे और कंटिन्यू करेंगे काम। सफाई अभी भी की है सारी, सफाई करके तो सोचा चले अब इसको तय करके कबर्ड में लगाते हैं। हेलो 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 अरहम, आपने गुड मॉर्निंग कर ली? हाँ, आपने गुड मॉर्निंग कर ली। जैसी मम्मा कुरान पाक पढ़ने लगी वैसे ही आप उठ गए हैं। कैसे देखें, आनी कुरान पाक पढ़ रही है, ये देखें अभी मेरी आनी ने वो नमाज पढ़ी है और अब कुरान पाक पढ़ी है। जैसे मेरी आनी कुरान पाक पढ़ने लगी वैसे ही हम सब उठ गए, और हम लोग अभी खिचड़ी पकाएंगे, तो हम उसका सामान लेके आए हैं खिचड़ी का। ये देखें इकरा मैडम सो रही है, हम उसका वो सामान लेके आए खिचड़ी का, और ये अरहम है। हेलो अरहम, तो वो देखिए इकरा भी सो रही है और मेरी आनी कुरान पाक पढ़ी है, और ये अरहम उठ चुके हैं। गाइस, यहाँ पे खिचड़ी का सामान कर लिया है हमने रेडी, तो आफ्टर नमाज और कुरान पाक हमने सोचा जल्दी से खिचड़ी बना ली जाए। और खिचड़ी का दिन था और इकरा की भी तबीयत सही नहीं है, तो इसीलिए जो है वो लाइट सा खाना बना रहे हैं। यहाँ पर मैंने अनियन डाला है, कुछ खड़े मसाले डाले हैं, यहाँ पर जो है वो मैंने भिगो के रख दिया, ये वाली दाल हमने जो है येलो वाली यूज़ की है, इसमें चावल दाल डालें। यहाँ पर जो है चटनी का सामान तैयार हो रहा है, और चटनी जो हम तैयार करेंगे फर्स्ट टाइम चॉपर में, वैसे तो हम ग्राइंड करते हैं, मगर जो है वो आज इसका एक्सपीरियंस करेंगे कि किस तरह बनेगी चटनी इसमें। फर्स्ट तो आई थिंक हम ग्राइंड कर रहे हैं टमाटोज, अभी तक हमने जो है जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें नहीं तैयार किया, लेट्स सी के कैसे तैयार होगा। ये देखिए इसके अंदर बड़े अच्छे से क्रश होते हैं, ये मैनुअल चॉपर लेके आई थी मैं, मैंने आपको इसका रिव्यू भी दिया था, मगर आज दिखा रहे हैं कि किस तरह वर्क करता है। देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी जो है वो कंसिस्टेंसी है, बहुत बारीक सा। वहाँ पे जो है वो चटनी के लिए ले लिया हमने, धनिया ले लिया है और पुदीना ले लिया है। देखिए गाइस इसमें कितना बारीक चॉप हो गया ना। अभी जब पूरी चटनी तैयार होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसी लग रही है। गाइस किचन में जो है हमने अरहम को बिठा दिया अरहम की सीट पर, क्योंकि ये जब मुझे देखता है खड़े हुए तो ये बहुत ज़्यादा जो है क्राई इशू हो जाता है करना, और ये बोलते हैं कि मम्मा मुझे ले ले, तो मैं नहीं लेती क्योंकि मैं किचन में जब काम कर रही होती हूँ फिर कैसे लूँगी मैं अपने बेटे को, तो इसलिए हमने जो है वो इसको इसकी बेबी सीट पर बिठा दिया, बड़ी चेयर के ऊपर बेबी सीट रख दिए, ताकि इसे हम नज़र आते रहें काम करते हुए। यहाँ पर जो है वो जिंजर और गार्लिक जो है अभी इसको पील करना है, फिर हम इसको जो है वो पेस्ट बनाएंगे इसका भी। चलिए देखिए कड़ी पत्ता भी रखा है, थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी मैं ऐड कर देती हूँ। किचन में काम हो रहा है, यहाँ पे ऐड की है कुछ चीज़ें। खिचड़ी तो सिंपल ही अच्छी लगती है और चटनी के साथ अच्छी लगती है। यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो टमाटो पेस्ट रख दिया है दूसरे सालन के लिए, आज मेरा दिल चाह रहा है कि माश की दाल बनाई जाए, तो वो बनाएंगे। और चटनी का सामान यहाँ पे हो गया है रेडी, यहाँ पे इसमें हमने डाला है धनिया, पुदीना, लहसुन और टमाटर जो हमने क्रश किए थे, और इसमें ऐड होगा ग्रीन चिली भी होगी ऐड, और नमक वगैरह ऐड करेंगे भी। गाइस हमारी खिचड़ी तैयार हो चुकी है और हम लोग खाने लगे हैं, और अरहम साथ भी खा रहे हैं खिचड़ी। ये देखें, ये देखें अरहम भी खा रहा है और हम भी खा रहे हैं। चुप कर,
यहाँ पे देखिए यार, हम उल्टा हो गया। अभी भी हम गए थे बाजार और हमको लेके और हम की लाए हैं कुछ चीज़ें और हम के खाने पीने की चीज़ें लाए हैं, क्योंकि ये दलिया और जो है क्या कहते हैं सूजी वगैरह खाता नहीं है। ये इधर हमने इसके लिए लिए हैं बिस्किट्स, अभी माशाल्लाह से स्टार्ट किया और हमने थोड़ा खाना पीना। ये हम के लिए मैंने लिया है न्यूटेला चोकोबिल्स, मिल्की में लिया है, खिला के देखूँगी कि खाता है या नहीं। ये इधर आ गया है और हम का सीरीलैक्स, और यहाँ पे ले लिया है मैंने दो मिल्क जो है वो मिल्क के छोटे छोटे से पैकेट, और ली है मैंने साथ में माश की दाल। मुझे तो आज पता चला माश की दाल भी इतनी महंगी हो गई है, ये लेकर आई हूँ। और इसी में इतने ये देख लें कितने एक्सपेंसिव है। ओह माय गॉड, पाकिस्तान कहाँ जा रहा है। हेलो गाइस, ये देखिए हम अभी सो के उठाए अरहम। हेलो अरहम, अरहम अरहम तंग इतना करता है। तो ये देखिए यहाँ पर आनी की स्टूडेंट आई हुई है, पढ़ रही है, अली पढ़ा रही है इनको। तो ये अभी अभी सो के उठा है अरहम। अरहम आप इनके लिए गाइस दुआ करें, ये इनके एग्जाम होने वाले हैं, ये क्लियर हो जाए अपने एग्जाम।